गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नव भारती परिवार में आपका स्वागत है। मैं संजू शर्मा आज आपके लिए टॉपिक लेकर आई हूँ, शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक। नेट के एग्जाम की तैयारी के लिए ये वीडियोस मैंने बनाई। इसमें जो फर्स्ट पेपर है हमारा, शिक्षण अभिवृद्धि के नाम से जो पेपर है उसके बारे में हम पढ़ रहे थे। इसमें मैंने आपको टॉपिक बताया, मैंने पहले भी बताया आपको, शिक्षण को यानी कि शिक्षण के लिए जो हमारे महत्वपूर्ण कारक हैं उन कारकों का हम वर्णन कर रहे थे। इन कारकों में से मैंने आपको शिक्षण के सूत्र, शिक्षण के सिद्धांत, अधिगम, इनके बारे में आपको लास्ट वीडियो में पढ़ाया। अब जो हम पढ़ रहे हैं वो है हमारा शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक। सामान्य रूप से हम जानते हैं कि शिक्षण को प्रभावित करने वाले बहुत से कारक होते हैं। जैसे हम कहें इनके अनुसार हमारे, जो मैंने पहले बताया, इनके सूत्र भी होते हैं, इनके सिद्धांत भी होते हैं। इसके अलावा हम देखें तो इनके तकनीकी उपकरण भी होते हैं, विधि भी होती है, और यहाँ तक हम कहें तो शिक्षण को सबसे ज्यादा प्रभावित करने का कार्य कौन करते हैं? शिक्षक करते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि शिक्षण हमारे लिए एक कला और कौशल दोनों होते हैं, और उस कला को जो निभाते हैं उसका किरदार जो होते हैं वो हमारे शिक्षक होते हैं। हमने पहले भी कहा था कि शिक्षक एक कलाकार के रूप में है, शिक्षक को हमने कलाकार की उपाधि दी है। इसलिए आप इसमें कहते हैं कि इसको किस तरीके से, जो इनके कौशलों का प्रयोग, जो ये कौशल होते हैं, इन कौशलों का प्रयोग कौन करते हैं? शिक्षक करते हैं। कि किस तरीके से उन्हें शिक्षण को प्रभावी करना है, और उसी के अंतर्गत वो इन सभी चीजों का प्रयोग करते हैं, चाहे शिक्षण सूत्र हो, शिक्षण के लिए नई तकनीकियां हो, उनके मेथड होते हैं, और कौन कौन से कौशलों का, यहाँ तक कि सहायक सामग्री भी शिक्षक की शिक्षण को प्रभावित करने का एक कारक होते हैं। तो आज हम उन्हीं महत्वपूर्ण जो कारक होते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि शिक्षण का सूत्र भी महत्वपूर्ण है, शिक्षण की सामग्रियां भी महत्वपूर्ण होती हैं, शिक्षण की विधियां भी महत्वपूर्ण होती हैं, और कुछ जो उनके अन्य कुछ और भी उनके कारक होते हैं महत्वपूर्ण, जो उन्हें प्रभावित करते हैं, उन सब के बारे में हम यहाँ अध्ययन करने जा रहे हैं। आप देखेंगे हम सर्वप्रथम कि जो हम शिक्षण को प्रभावित करने के कारक पढ़ रहे हैं, इसमें सर्वप्रथम आता है शिक्षक की शैक्षणिक योग्यता। जो सर्वप्रथम जो कारक है वो है शिक्षक की शैक्षणिक योग्यता, शैक्षणिक योग्यता। सर्वप्रथम जो कारक है हमारा वो है शिक्षक की शैक्षणिक योग्यता। हम जब भी हम शिक्षक से हम जो पढ़ाई कराते हैं, हमारी जो शिक्षण प्रक्रिया करवाते हैं, हमने सर्वप्रथम हम ये देखते हैं, सामान्यतः हम उसको ये माना जाता है कि शिक्षक कितने योग्य हैं, अर्थात ये माना जाता है कि अत्यधिक जो योगशील जो शिक्षक होंगे वो हमें उच्च कक्षाओं का पढ़ाने का उनके अंदर हुनर होगा। यानी कि शिक्षक की स्वयं की योग्यता, जितने अधिक वो शिक्षित शैक्षणिक योग्यता प्राप्त कर रखेगी उतना वो अधिक हमें उस चीज का ज्ञान देंगे। इसके लिए कम योग्य जो शिक्षक होंगे वो निम्न स्तर की कक्षाओं को पढ़ाएंगे। हमने देखा है कि कई बार ये भी देखा हमने कि अगर एसटीसी बीएड करे हुए हैं, हम यहाँ पर सिर्फ एसटीसी और बीएड के लिए कंपेयर करें, तो आपने देखा है कि हम लेसन के लिए भी जाते हैं तो एसटीसी जो बच्चे करते हैं उनको हम फर्स्ट टू सिक्स क्लास तक देते हैं, लेकिन जो बीएड करके बच्चे जाते हैं उन्हें हमने देखा है कि हम सिक्स टू टेंथ ट्वेल्थ भी देते हैं। तो ये क्यों दे रहे हैं? उनकी शैक्षणिक योग्यता पर, जो उनकी योग्यता है, अर्थात इसमें कहा गया कि जितनी उच्च शिक्षा की शिक्षक जो शैक्षणिक योग्यता हासिल करे हुए होते हैं उन्हें उच्च शिक्षा दी जाती है, उस शिक्षा की शिक्षण प्रक्रिया के लिए नियुक्त किया जाता है, और जिनकी कम शैक्षणिक योग्यता होती है उन्हें हम निम्न स्तरीय कक्षाओं के लिए नियुक्त करते हैं। तो हम जो शिक्षण प्रक्रिया सर्वप्रथम प्रभावित होती है वो है शिक्षक की शैक्षणिक योग्यता। इसके ऊपर आधारित होता है हमारे शिक्षण बहुत ज्यादा प्रभावित होता है। इसके लिए हम कहते हैं कि जो सरकार होती है वो अलग अलग इनकी कक्षाओं के लिए योग्य निर्धारित करते हुए
शिक्षकों की नियुक्ति करते हैं। इसीलिए जैसे हम ये कहते हैं कि जो शैक्षिक योग्यता होती है वो हमारे शिक्षण को प्रभावित करती है। सेकंड है हमारा शिक्षण कौशल। सेकंड जो बिंदु है हमारा वो है शिक्षण कौशल। ये हमारा सेकंड महत्वपूर्ण बिंदु है जो हमारे शिक्षण को प्रभावित करते हैं। इसके लिए हम कहते हैं कि जो हमारे प्रभावित शिक्षण के लिए हम क्या करते हैं, शिक्षक हमारे समुचित जो उनके कौशलों का संग्रह होता है वो उनका प्रयोग करते हैं। ये कहते हैं कि वो सभी कौशल एक शिक्षक के अंदर होने चाहिए और शिक्षक को उन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में उन समुचित कौशलों का प्रयोग करना चाहिए। कहते हैं कि जितना हम इन कौशलों का जो समग्र कौशल होते हैं इनका प्रयोग जब हम शिक्षण भी हमारे शिक्षण की प्रक्रिया में अपनाते हैं तो हमारी जो शिक्षण प्रक्रिया है वो बहुत ही प्रभावी होती है। तो शिक्षण को प्रभावित करने के लिए हमारे जो कौशल होते हैं वो भी महत्वपूर्ण होते हैं। कुछ शिक्षण कौशल तो क्या होता है हमें जन्म से में मिले हुए होते हैं। हमने देखा है कि शिक्षार्थी के अंदर कुछ ऐसे कौशल होते हैं जो यानी कि शिक्षार्थी में भी और शिक्षक में भी कुछ कौशल तो ऐसे होते हैं जो जन्मजात होते हैं, लेकिन कुछ कौशल ऐसे होते हैं जिनको प्राप्त करने के लिए शिक्षार्थी को शिक्षक की सहायता लेनी पड़ती है। अर्थात विद्यार्थी किसकी सहायता लेते हैं, शिक्षक की, क्योंकि जो हमारी शिक्षण प्रक्रिया है वो बिना शिक्षक और शिक्षार्थी की तो पूर्ण होती ही नहीं। तो इसलिए कहते हैं कि जो हमारे कौशल कुछ हमारे बहुत जन्मजात होते हैं। हम ये मान लें कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कुछ क्रिएटिविटी उनके अंदर जन्मजात होती है, लेकिन उसे एक सही मार्गदर्शन देना साथ में उसे और अधिक उसमें इम्प्रूवमेंट करना ये हमें कौन सिखाता है, हमारे शिक्षक। हम माने कि एक कौशल हेड राइटिंग है, हो सकता है हेड राइटिंग शुरू से बच्चे की जब वो वर्क करता रहा उसकी हेड राइटिंग अच्छी है, लेकिन उसे और अच्छा बनाने का कार्य कौन करेंगे, शिक्षक। इसीलिए कहते हैं कि हमारे जो कौशल होते हैं उनका समुचित जो विकास होता है वो हमारे शिक्षण प्रक्रिया के आधार पर हमारे शिक्षक हमारे उन कौशलों में हमारी सहायता हमें विकसित करने में हमारी सहायता प्रदान करते हैं। इसीलिए जो हमारे शिक्षण को प्रभावित करता है वो सेकंड पॉइंट है हमारा शिक्षण का कौशल। थर्ड है हमारा शिक्षक का अनुभव। थर्ड है हमारा शिक्षक का अनुभव। शिक्षक का अनुभव शिक्षण प्रक्रिया को हमने पहले भी देखा था, पहले भी बताई थी ये चीज कि जब हम शिक्षण प्रक्रिया करते हैं या हम कहें कि कोई भी कार्य हम करते हैं तो उसमें सबसे ज्यादा हम क्या देखते हैं, अनुभव। हम ये चीज मानेंगे चाहे एक हमारे घर में हमारा सिंपल हम ये मानते हैं कि हम बुजुर्गों की बात क्यों मानते हैं, क्योंकि उनको जीवन का अनुभव होता है। तो यहाँ तो शिक्षण प्रक्रिया है, इसके लिए हमारे शिक्षण प्रक्रिया के जो अहम हमारे किरदार रखते हैं शिक्षक, तो हम क्या करते हैं अगर हमारे शिक्षण प्रक्रिया को हमें प्रभावी बनानी तो सबसे पहले यहाँ अनुभव काम में लेंगे। शिक्षार्थी ये देखेंगे कि शिक्षक को अपनी शिक्षा का कितना अनुभव है, शिक्षण करवाने का कितना अनुभव है, यानी कि वहाँ हम ज्ञान के साथ साथ ये शिक्षक को कितना अपनी विषय नॉलेज है उसके साथ साथ हम उनके अनुभव को भी देखते हैं, क्योंकि अनुभव सबसे ज्यादा अपने कार्य को संपन्न करवाने में या उसको अच्छा और प्रभावी बनाने के लिए अनुभव सबसे महत्वपूर्ण होता है। सो हर समय हम ये चाहते हैं शिक्षार्थी भी ये चाहेगा कि मुझे ऐसा शिक्षक मिले जो कि एक अनुभवशाली हो, जो खुद एक अच्छा शिक्षक अपने ज्ञान को छात्रों के साथ क्या करेंगे, वो अपने अनुभव को साझा करते हैं। ये देखा है जब भी अनुभव, क्योंकि हम अनुभव लेते हैं तो जब उनके अंदर उस ज्ञान से संबंधित अनुभव होंगे तो वो क्या करेंगे उस अनुभव का शिक्षार्थी के साथ उनको साझा करेंगे, उन्हें बांटेंगे, वो किस तरह से पढ़ाते हैं शिक्षार्थी भी देखेंगे और शिक्षक अपनी नॉलेज उन्हें देगा भी। तो इसीलिए कहते हैं कि अनुभव हमारा बहुत ही छात्रों के सवालों का कक्षा प्रबंध करने का एक जो श्रेष्ठ ढंग होता है वो नियंत्रित करने का ये श्रेष्ठ ढंग हमारा कहाँ से आता है, अनुभव से। अर्थात हमने देखा है कि एक तरीके से क्लास को नियंत्रित करेंगे वो
भी हमारे अनुभव पर निर्भर है कि जो शिक्षक जितने अनुभवशाली होंगे उन्हें क्लास में डिसिप्लिन करना, उन्हें उस किस तरह से व्यवस्थित उन्हें बिठाना है, साथ में किस तरह से कक्षा का प्रबंध करना है, उनके सवालों का जवाब देना है, ये सब एक अनुभवशाली शिक्षक ही कर सकता है। तो इसके लिए कहते हैं कि जब हम शिक्षण की प्रक्रिया अपनाते हैं तो उसमें शिक्षक का अनुभव होना भी सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि शिक्षक अपने अनुभवों का उसमें जो अपना प्रसार करे, बच्चों को अपने अनुभवों को बांट सके। फिर है हमारा फोर्थ, कक्षा का वातावरण। फोर्थ है हमारा कक्षा का वातावरण। ये हम मानते हैं कि शिक्षा यानी प्रत्येक कार्य को, ये हम पहले भी पढ़ते आए हैं, चाहे ज्ञान है, चाहे शिक्षा है, या हम स्वयं कोई कार्य करते हैं, हमारे कार्य को सर्वप्रथम जो प्रभावित करता है वो होता है हमारा वातावरण। हम जानते हैं वातावरण हमारा ऐसी परिस्थितियां पैदा कर देते हैं कि हमें वो कार्य करना पड़ता है। वातावरण जब पैदा होता है जब हमारी उसकी आवश्यकता होती है। हम देखते हैं कि बच्चे जब शिक्षा ग्रहण करते हैं, क्यों वो कमरे में रात में ये कहते हैं कि हम बिस्तर पे बैठकर नहीं करें, क्योंकि उनके पास वो वातावरण नहीं होता जिससे कि वो शिक्षा लें, और उस घर को या अपने जो उनकी बैठने की व्यवस्था उसे छोड़कर वो लाइब्रेरी ज्वाइन करते हैं वातावरण के अनुकूल। यानी कि वातावरण हमारे कार्य को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है, या हम कहें कि हमारी इच्छा जागृत होती है वो हमारे वातावरण के कारण होती है। जैसा वातावरण होगा हमें कार्य करने की इच्छा जागृत उसी प्रकार की होगी। तो जो हमारे शिक्षक को जब शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को श्रेष्ठ बनाने के लिए कक्षा का वातावरण इसके लिए क्या बनाना पड़ता है, सुगम बनाते हैं, और उन्हें पहले पहल करनी पड़ती है सुगम और सरल, यानी कि उन्हें ऐसा वातावरण बनाना पड़ता है शिक्षण की प्रक्रिया के लिए कि बच्चे उसमें इंटरेस्ट ले सके, बच्चे उसे सरल समझे। हम मानते हैं कि हम कई बार जब हमें कार्य बहुत कठिन लगने लगता है तो हम उससे दूर भागने लगते हैं, लेकिन शिक्षक क्या करते हैं, शिक्षण की प्रक्रिया में अपनी कक्षा का, अपना जो शिक्षण का वातावरण है वो ऐसा वातावरण पैदा करते हैं जो बच्चों को बहुत ही सरल और सुगम लगने लगता है। इससे बच्चे उसमें इंटरेस्ट लेने लगते हैं और अगर कठिन भी है तो उसे अपनाते हैं। जैसा हमने कहा कि जो हमारा शिक्षण सूत्र भी ये कहता है कि हमें सरल से कठिनता की ओर जाना चाहिए, सामान्य से जटिलता की ओर जाना चाहिए। तो हम क्या करते हैं इसमें, हम इसमें सबसे पहले हम उसको सरल बनाने की कोशिश करते हैं। जो ज्ञान हम बच्चों को देते हैं उस ज्ञान को हम सरल बनाने की कोशिश करते हैं कि बच्चों को जो हम ज्ञान दें वो सरल ढंग से, उसकी भाषा सरल हो और बच्चों को प्राप्त करने में आसानी हो। फिर ये आता है हमारा कक्षा के वातावरण के बाद में हमारा जो आता है वो है आर्थिक कारक। शिक्षण प्रक्रिया में जब शिक्षक कहते हैं शिक्षक स्वतंत्र रहना चाहते हैं, और स्वतंत्र शिक्षक कब रहेगा, जब उसके ऊपर कोई आर्थिक बोझ नहीं रहेगा। तो ये कहते हैं कि शिक्षण प्रक्रिया शिक्षक को स्वतंत्र छोड़कर ही हम उसे अच्छा प्रभावी बना सकते हैं। अगर कहते हैं कि अगर किसी भी प्रकार की आर्थिक समस्या अगर शिक्षक के ऊपर गहराती है तो वो असर हमारे कहाँ पड़ते हैं, हमारी शिक्षण प्रक्रिया पर। तो हमें जितना प्रभावी शिक्षण करना है तो शिक्षक को स्वतंत्र छोड़ना पड़ेगा। उनके स्वतंत्रता की सोच आवश्यक होती है, उनको सुनिश्चित करना होता है कि उनको आर्थिक स्वतंत्रता भी होनी चाहिए, अत्यंत आवश्यक होती है। यदि शिक्षक का ध्यान उनकी आर्थिक समस्याओं पर रहा तो वो अपना पूरा फोकस जो केंद्र बिंदु है वो अपने शिक्षण की प्रक्रिया पे नहीं रख सकते। हम कहते हैं अगर मेंटली अगर उन्हें आर्थिक समस्या रहेगी तो वो जो उनकी आर्थिक समस्या है वो कहीं ना कहीं उनकी शिक्षण प्रक्रिया पर हावी होगा और वो बच्चों को वो ध्यान नहीं दे पाएंगे जो देना चाहिए, क्योंकि वो मेंटली उस चीज से प्रिपेयर नहीं रहेंगे और वो जो उनकी समस्या है वो उनके शिक्षण प्रक्रिया पर भी दिखाई देगी। तो आर्थिक कारक भी हमारे शिक्षण की प्रक्रिया को प्रभावित करने का एक कारक होता है। फिर है हमारा
शिक्षण संस्थानों की जो हमारे शिक्षक संस्थान होते हैं, शिक्षा प्रदान करने वाले शिक्षक संस्थानों की प्रशासनिक नीतियां जो वो बनाते हैं, यानी कि हम जानते हैं कि शिक्षक कक्षा को अपने ढंग से संचालित करना चाहते हैं, इसके लिए वो उनको क्या रखना चाहिए, स्वतंत्र रखना चाहिए। उनकी सोच कैसी होनी चाहिए, स्वतंत्र, यानी कि उनके ऊपर किसी का बाउंडेशन नहीं होनी चाहिए। जो कहते हैं शिक्षण संस्थानों की प्रशासनिक नीतियां भी शिक्षक की सोच, कहते हैं ना कि एक मैनेजमेंट के अंदर में शिक्षक होते हैं, उन्हें उनका मानना होता है। लेकिन इसके लिए कहा जाता है कि प्रशासनिक संस्थानों को ये छूट देनी चाहिए कि जब शिक्षक अपनी कक्षा में जाता है तो अपनी जो उनकी शिक्षण व्यूहरचनाएं हैं उसे लागू करने के लिए शिक्षक को स्वतंत्र छोड़ना चाहिए। अगर शिक्षक पर कहीं हम बाउंडेशन रखते हैं तो वो चीज वहां पर नहीं होनी चाहिए। दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि जो शिक्षण संस्थान प्रशासन के जो अधिकारी होते हैं, चाहे वो विद्यालय हो या हमारे महाविद्यालय या हमारे विश्वविद्यालय हो या हमारे शिक्षण पद्धति में जो मानकीकरण और सुनिश्चित करने के लिए प्रयासरत रहते हैं, इसीलिए हम दोनों शिक्षक और प्रशासन में दोनों में क्या होना चाहिए, एक अच्छा समन्वय होना चाहिए कि दोनों में अच्छा तालमेल बैठा हुआ होना चाहिए, जिससे क्या करते हैं शिक्षक के सामने वो कठिनाइयां नहीं आती हैं और जो मैनेजमेंट जिस चीज को बनाता है वो उसको फॉलोअप करते हैं। तो शिक्षक और जो हमारी विद्यालय महाविद्यालय में की जो मैनेजमेंट होते हैं, प्रशासक होते हैं, जो नीति बना के रखते हैं, उन दोनों में आपस में एक संतुलन जरूरी होता है। अगर वो संतुलन नहीं होता है तो संतुलन की कमी कहीं ना कहीं हमारे शिक्षण प्रक्रिया पर ही दिखाई देता है। इसीलिए हमें दोनों में समन्वय, उनमें संतुलन होना बहुत ही आवश्यक होता है। अगर दोनों में होगा तो हमारा कार्य भी निश्चित रूप से एक अच्छी सफलता की ओर अग्रसित होगा। इसीलिए कहते हैं कि दोनों में इनमें एक समन्वय होना चाहिए, जिससे हम शिक्षा के उद्देश्य को हम क्या करते हैं, सुचारू रूप से हम उसे प्राप्त कर सकते हैं। फिर आता है हमारा विषय वस्तु, नेक्स्ट बिंदु है हमारा विषय वस्तु। जब कोई शिक्षक ऐसे विषय को पढ़ाता है जिसमें उसने विशेषज्ञता प्राप्त नहीं की है तो हमें क्या होता है, हम अपने उस विषय के बारे में जब पता चल जाता है कि जिस विषय के बारे में उन्होंने विशेषज्ञता हासिल नहीं कर रखी है, तो हम कहीं ना कहीं आपने देखा है कि छात्र भी शिक्षक को उस बिंदु पर जब ज्ञान पूरा नहीं होता है तो शिक्षार्थी भी बच्चों को कहीं ना कहीं टोकते हैं, यानी कि शिक्षक की कमी हमें नजर आ जाती है जब वो उस विषय के विशेषज्ञ नहीं होते हैं। यानी कि विषय विशेषज्ञ होना अनिवार्य होता है, अपने विषय वस्तु की संपूर्ण जानकारी रखना भी हमारी शिक्षण प्रक्रिया का एक अहम हिस्सा है, क्योंकि तभी हम शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावी कर सकते हैं जब हमारा उस विषय से संबंधित संपूर्ण हमें ज्ञान प्राप्त हो, हमें उसमें विशेषज्ञता हासिल कर रखी हो। लेकिन हम देखते हैं कई बार जब हमारा विषय विशेषज्ञता की कमी रह जाती है तो कहीं ना कहीं हमारे शिक्षण को वो प्रभावित करने लगता है और हमारे शिक्षण प्रक्रिया में भी कहीं ना कहीं वो रुकावट उत्पन्न होती है। इसलिए हमारे शिक्षक अगर विषय विशेषज्ञ प्राप्त विषय को ही हमें पढ़ाना उन्हें चाहिए, जिसकी उन्हें कमांड हो वो ही हमें उन्हें पढ़ाना चाहिए, ताकि जो हमारे शिक्षण के उद्देश्य हैं उन्हें वो सुचारू रूप से आगे तक प्रेषित कर सके, सुचारू रूप से उन्हें आगे प्राप्त हम कर स्टूडेंट उन उद्देश्यों को प्राप्त कर सके। ये हमारे विषय वस्तु के लिए है कि जो हमारे शिक्षक होते हैं उन्हें हमें विषय विशेषज्ञता जरूर हासिल की हुई होनी चाहिए, वो हमारे विषय विशेषज्ञ होने चाहिए। फिर है हमारा इसमें समाज एवं माता पिता की अपेक्षाएं,
समाज एवं माता पिता की अपेक्षाएं माता पिता की अपेक्षाएं। बच्चों, मैंने एक वीडियो में आपको चर पढ़ाए थे, स्वतंत्र चर और आश्रित चर। स्वतंत्र चर में मैंने आपको बताए थे स्वतंत्र चर, आश्रित चर और एकता हस्तक्षेप चर, यानी कि तीन बताए थे मैंने आपको। आश्रित चर में मैंने आपको बताए थे स्टूडेंट की श्रेणी दी थी जो शिक्षक पर आश्रित होते हैं। स्वतंत्र चर में थे हमारे शिक्षक जो स्वतंत्र होते हैं। थर्ड था हमारा हस्तक्षेप चर जिसमें मैंने आपको बताया था कि हमारा परिवार, हमारा समाज, उसमें कहीं ना कहीं हमारे अंदर बाधाएं उत्पन्न करती हैं। तो यहाँ भी वही चीज है कि समाज और माता पिता की जो अपेक्षाएं होती हैं अपने बच्चे के प्रति, वो अपेक्षाएं कई बार अत्यधिक इतनी बढ़ जाती हैं कि वो हमारे शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावी करती है। जो उनकी जो आगे की जो प्रोग्रेसिंग होती है उसमें वो रुकावट बन जाते हैं। इसके लिए कहते हैं कि जो माता पिता की अपेक्षाएं होती हैं वो हमारी उस चर हस्तक्षेप की एक निशानी होती है कि किस तरीके से वो हमारे हस्तक्षेप करते हैं। क्योंकि ज्यादा क्योंकि शिक्षार्थी पर उनका क्या होता है, दबाव होता है, वो शिक्षार्थी पर दबाव डाल सकते हैं और इससे उनकी क्या होती है, शिक्षण प्रक्रिया प्रभावित होती है। क्योंकि पहले भी बताया था कि शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षार्थी और शिक्षक दोनों ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो यहाँ पर जब शिक्षार्थी दबाव में रहेंगे तो दबाव के कारण हम जानते कि हम हमारी शिक्षा, जो शिक्षा वो ग्रहण या ज्ञान वो लेना चाह रहे हैं प्रॉपर, वो ज्ञान नहीं ले सकेंगे। कारण उनका दबाव, क्योंकि वो माइंड इस चीज से हो जाता है कि कई बार हमारे माता पिता हमसे कुछ ज्यादा उम्मीद करने लग जाते हैं, अपेक्षाएं करते हैं और जब बच्चे उन अपेक्षाओं में खड़े नहीं होते तो उनका एक मानसिक जो दबाव बढ़ जाता है, तो वो दबाव भी उनकी शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावित करता है। तो आज के वीडियो में हमारे ये शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक थे। प्रथम था हमारा शिक्षक की शैक्षणिक योग्यता, सेकंड था शिक्षण कौशल, थर्ड था हमारा शिक्षक का अनुभव, फोर्थ था हमारा कक्षा का वातावरण, फिफ्थ था आर्थिक कारण और सेवेंथ था हमारा शिक्षण संस्थानों की प्रशासनिक नीतियां, विषय वस्तु समाज एवं माता पिता की अपेक्षाएं। ये हमारे शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक हैं। धन्यवाद।